हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगले दिन की शुरुआत अगेन हो चुकी है जैसलमेर से। मैंने रात को यहाँ इस हॉस्टल में नाइट स्टे किया था और ये इस हॉस्टल की टेरिस है। यहाँ पर आपको किचन मिल जाएगी, पार्टी वगैरह करते हैं तो यहाँ कुकिंग कर सकते हैं आप। ये सिटिंग एरिया है ऊपर और यहाँ से आप व्यू देखिए फोर्ट का। तो काफ़ी कम बजट के अंदर आप ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ले सकते हैं, और या आप यहाँ रह सकते हैं या फोर्ट के ऊपर, चॉइस इज़ योर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ कहाँ रुका था। ये एरिया आपने देख ही लिया है। ये डोमेट्री है, ये देखिए, ये मेरे लगेज, यहाँ मैंने स्टे किया था नाइट में। ये बालकनी यहाँ की, यहाँ से भी व्यू अच्छा दिख जाएगा आपको। तो कुल मिला के अंडर बजट ये प्रॉपर्टी में मैंने अकोमोडेशन लिया। और अभी मैं नीचे आपको रिसेप्शन में ले चलता हूँ, जो इसके ओनर है क्या क्या डिस्काउंट आपको दे सकते हैं अगर आप इस प्रॉपर्टी में विजिट करते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, एक दो रूम्स आपको और दिखाता हूँ। ये तो डोमेट्री था, और आपको नीचे रूम्स दिखाता हूँ। रूम्स भी अगर आप लेते हैं तो उनका क्या प्राइस है, और नीचे आके बताता हूँ आपको। तो हम चेकआउट कर रहे हैं और चलते हैं नीचे। नीचे कुछ रूम्स आपको दिखाता हूँ। एक रूम ये है, इसका रूम भी काफ़ी अच्छा है इसका, बट मैंने इससे भी लो बजट में ऊपर डोमेट्री चूज़ किया क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मैं कम बजट में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वही बेस्ट था। तो नीचे चलते हैं, भैया से पूछते हैं कि वो ये रूम और डोमेट्री आपको और कितने डिस्काउंट में दे सकते हैं। तो एक रूम ये है जी नीचे, नीचे वाले रूम ऐसे हैं, ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन रूम है। डोमेट्री थर्ड फ्लोर पर है, सेकेंड और ग्राउंड फ्लोर पर ये आपको इतना अच्छा रूम मिल जाएगा। ये है वो हॉस्टल की प्रॉपर्टी, सेकंड थर्ड, और मैं उस वाले इस थर्ड फ्लोर पे रुका था जहाँ डोमेट्री हैं और ऊपर टेरेस है। यहाँ भी रूम है और इसके अंदर भी ये रूम है, और ये एंट्री गेट है इसका। तो ये जी इस होटल के हॉस्टल के ओनर है, आइए इनसे पूछते हैं कि ये अगर आप लोग आते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से क्या क्या डिस्काउंट दे सकते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीम है सर। हाशिम है, आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं? जी सर। तो रात को हमने स्टे किया डोमेट्री में। जी जी। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मेरे सब्सक्राइबर को क्या डिस्काउंट देंगे? 50% आपके जो चैनल के माध्यम से आएंगे उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा सर। और अभी क्या रेट चल रहा है? अभी सर डोमेट्री का सर 350 चल रहा है। अच्छा। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो यहाँ जैसलमेर में आएगा हमारी हॉस्टल पे, उनको 150 पे बेड मिलेगा। एक अच्छा 150 रुपीज़ में एक बेड मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट के साथ। जी 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 सर, ठीक है। और ये कुछ रूम भी देखे मैंने आपके ऊपर और नीचे के। जी जी। तो सब इनके क्या प्राइस है? इनके सर 2000 रुपए एक रूम के है। आपके माध्यम से जो आएंगे चैनल के माध्यम से, उनको 50% डिस्काउंट उनको 1000 रुपए में मिलेगा। अच्छा, उनको 1000 रुपए में मिल जाएगा। जी। तो ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रूम है दो, और दो फर्स्ट फ्लोर पे हैं। सबके प्राइस एक ही हैं? नहीं नहीं, अलग अलग है सर। ये ग्राउंड फ्लोर वाले रूम्स के क्या प्राइस हैं? इनके सर 800 रुपए हैं। आपके माध्यम से जो आएंगे उनको 400 रुपीज मिल जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम है। जी जी। और जो इससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हैं उनके सर 2000 रुपए 2000 रुपए है। और डिस्काउंट के बाद कितना लगेगा? 1000 रुपए लगेगा सर। अच्छा, डिस्काउंट के बाद 1000 रुपए लगेगा। जी जी। और अपने इस होटल का नाम बता दीजिए एक बार। रेस्टिंग लॉ हॉस्टल। रेस्टिंग लॉ हॉस्टल है ये। जी। और ये किले के बैक साइड वाली रोड पे पड़ता है? जी जी। फोर्ट पार्किंग के पास नेशनल हैंडलूम है, उसके पास में पड़ता है। अच्छा, तो ये है जी भैया इनका ये होटल है। आप जब भी आए मैं आपको बोलूँगा आप यहीं रुकिए, थोड़ा सा प्रमोशन है, इन भैया की भी हेल्प हो जाएगी और इनके मतलब इनकी मदद से हम लोग भी चीप अकोमोडेशन में स्टे कर सकते हैं। आप यकीन मानिएगा, मैंने पूरी जगह सर्च कर लिया, सबसे चीपेस्ट प्रॉपर्टी मुझे यहीं लगी और बेस्ट प्रॉपर्टी है और व्यू भी बहुत अच्छा है। तो भैया को हम करते हैं बाय बाय और चलते हैं अपने होटल से निकलने के बाद। अभी मैंने किया ब्रेकफास्ट और अब आपको दिखाते हैं जैसलमेर का फोर्ट। ये है उसका एंट्री गेट, ये है जैसलमेर फोर्ट का एंट्री गेट। आप चलते आपको अंदर लेके चलते हैं इसके।
तो जैसे चित्तौड़गढ़ में हमने देखा था काफ़ी सारे पोल थे, तो यहाँ भी है अखे प्रोल के नाम से, ये फर्स्ट डोर का नाम है, फर्स्ट किले का जो गेट है। तो जैसलमेर फोर्ट के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और आप व्यू देखिए, तो यही फोर्ट है जी जहां राजा करते थे अपनी सेना के साथ, प्रजा के साथ। देखो शॉप्स आपको दिख जाएंगी राइट में, और ये व्हीकल है, 50 रुपए में आप इस व्हीकल के साथ फोटो ले सकते हैं। और ये कौन सा मॉडल है भैया? ये 40 साल पुरानी है, आपको सिटी साइजिंग के लिए चाहिए। 1947 का मॉडल है ना ये, और गाड़ी का क्या नाम है? चंद्रा। तो ये चंद्रा गाड़ी है जी, 1947 मॉडल है, तो इसके साथ आप फोटोस ले सकते हैं। 50 रुपए कॉस्ट है इसमें फोटो इसके साथ लेने के लिए। चलाने के लिए 11,000 रुपए। अच्छा 11,000 रुपए इसकी बुकिंग है सिटी साइजिंग। सिटी और 5100 रुपए में क्या है? 5100 रुपए किला और घड़ी सर लेक और आपके पटवा। तो मिनिमम इसमें आप 5100 की बुकिंग कर सकते हैं, साथ में आपके एक ड्राइवर जाएगा। तो 2-3 पॉइंट है जो ये आपको इस गाड़ी में एक्सप्लोर करवाएंगे, वाकई में ही कुछ देखने वाली है। ये देखिए, तो इस गाड़ी को अभी अक्षय कुमार की कोई मूवी आ रही है उसमें भी इसको यूज किया गया है, अक्षय कुमार की मूवी के लिए। तो अपकमिंग जो भी मूवी अक्षय कुमार की रिलीज होगी तो उसमें आपको ये गाड़ी देखने को जरूर मिलेगी। तो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये वही गाड़ी है। तो आप चलते हैं किले के अंदर आपको लेके, एंट्री एक गेट में कर चुके हैं और ये वे है अंदर जाने के लिए। तो जी फर्स्ट गेट से हमने यहाँ से एंट्री की थी और ये दूसरा पोल आ गया है यहाँ का, इसको बोलते हैं सूरज पोल। तो ये सेकंड गेट है। ये देखिए पुराने टाइम के गेट देखिए, ये देखिए क्या चीज बढ़िया है सर जी, ये कुंड है। अच्छा, ये कुंड इसलिए बना था कि कोई सेना अपने पे कोई प्रहार करे, कुछ भी ऐसा युद्ध करने के लिए आते तो उस पे गर्म तेल छिड़क के उनको भगा देते, इसलिए ये बना हुआ है। अच्छा, इसीलिए बना हुआ है। तो किले के सेकंड प्रोल से हम निकल चुके हैं, थर्ड प्रोल आ गया है, गणेश प्रोल के नाम से है ये प्रोल। इस प्रोल के अंदर भी एंट्री कर चुके हैं, देखिए ये किला किस तरह से बना हुआ है। तो गणेश परोल से मैं जैसे निकला, राइट और लेफ्ट में मार्केट है और ये लास्ट पोल आता है, ये आता है हवा परोल। ये हवा परोल के नाम से है और मुझे लोकल लोगों ने बताया कि जब यहाँ मई जून में बहुत गर्मी बढ़ती है तो उस टाइम लोकल सिटी के लोग इस एरिया में आके ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। तो हवा परोल से मैंने एंट्री की, अंदर आया तो ये दशहरा चौक आ गया। इधर ये पूरा एरिया है, इसको दशहरा चौक बोलते हैं। और मैं अगर इससे राइट लूँगा तो ये आ जाएगा जी राजा का महल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया राजा का महल, क्या बनाया गया, ये बारिश का पानी आता है स्टोक कर दो, बाग में स्टोन का घड़ा बनाते, हर बार घड़े बार रखते थे, पानी नहीं था, एक पानी को 5 बार यूज करते थे। अच्छा, एक पानी को 5 बार यूज करते थे, पिएंगे। अच्छा, फिर नहाएंगे, फिर कपड़े धोएंगे, कपड़ों वाले पानी के बर्तन। तो बारिश का पानी इसके अंदर स्टोर करते थे, इसलिए पानी का प्रॉब्लम था यहाँ। तो यहाँ जी पानी का प्रॉब्लम था तो ये ऊपर से पानी बारिश का जो आता था इसके अंदर स्टोर किया जाता था, उसे उसी से नहाते थे, कपड़े धोते थे, खाना पकाते थे, तो इसी के अंदर वो पानी स्टोर किया जाता था। तो ये है जी वो जगह जहाँ पर राजा को यहाँ ही तिलक किया जाता था, पूरी प्रजा उनकी यहाँ नीचे बैठती थी और राजा को यहाँ पर तिलक किया जाता था उस टाइम। और ये है राजा का महल, ये एंट्रेंस है राजा के महल की, राजा के महल की ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस है। और लेफ्ट साइड में मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पर राजा को तिलक किया जाता था, इसी रास्ते से राजा जाते थे। और ये है राजा की गद्दी, यहाँ बैठ के राजा को तिलक किया जाता था और उनकी पूरी प्रजा नीचे बैठती थी। ये मैं अंदर आ चुका हूँ राजा के महल में। तो ये है
जी राजा का महल, ये देखिए। तो इसमें ऊपर जाने के लिए आपको 150 रुपये का टिकट लेना है, जिसमें आप कैमरा मोबाइल दोनों यूज़ कर सकते हैं। और ये है टिकट काउंटर। ये है जी टिकट काउंटर, जगह महल, राजा के महल के अंदर से अभी हम वापस आए हैं। तो आइए चलते हैं और क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं जी जैन टेंपल की तरफ, और ये छोटी सी गली है और इसमें भी छोटी सी मार्केट लगी हुई है। काफ़ी कुछ है इस मार्केट में। तो मैं आपको एक भाई से मिलाता हूँ। ये भाई हमें फिर मिल चुके हैं। ये हमें कहाँ मिले थे? हम उदयपुर, हम मिले थे गेट पे। हाँ, हम पहले मिले थे उदयपुर गोस्ट स्टॉप में, हम रुके थे वहाँ। ये भाई मेरे साथ वाले डोमेट्री में थे, और उदयपुर में, उदयपुर से ये सीधा जैसलमेर आ गए, और मैं उदयपुर से गया आपका माउंट आबू, माउंट आबू तो सांचौर। मैं दो तीन जगह विजिट करके आया, बट यहाँ आया तो भाई फिर हमें यहाँ मिल गए। और भाई के बारे में थोड़ी खास चीज़ बताता हूँ। भाई एक प्रोफेशनल ट्रैवलर फोटोग्राफर हैं। तो भाई कुछ बताएंगे कि कैसे करते हो आप ये? तो बेसिकली मैं इंडिया गवर्नमेंट और लोनली प्लैनेट, नेट जी वगैरह की फोटो भेजता हूँ। अच्छा, इंडिया गवर्नमेंट के लिए फोटोज आप क्लिक करते हैं और उनको? हाँ, देता हूँ, उनको देते हैं। और इत्तेफाक से परसों जब मैंने जैसलमेर विजिट किया, तो भाई पहले मुझे मिले इस किले के गेट के ऊपर, फिर दो दिन फिर गायब हो गए हम, अब फिर इस मार्केट में भाई मिल गए। तो ये सारा है जी जैन टेम्पल का, पूरा एरिया जैन टेम्पल का है। और ये गली देखिए, किसी टाइम पे यहाँ राजा महाराजाओं की प्रजा रहा करती थी, सारे वो ही घर बने हुए हैं। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर एक बहुत पुरानी कैनन पड़ी हुई है जिसको तोप बोलते हैं, तो उस तोप को देखते हैं। तो कैनन देखने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर दोबारा रास्ते में हमारे जैन टेंपल आ गया, तो आप जैन टेंपल भी देख लीजिए बाहर से। ये पूरा जैन टेंपल है। मुझे एक सर ने बताया कि राजस्थान के अंदर चित्तौड़ का जो फोर्ट है वो पहले नंबर पे आता है, और सेकंड में ये जैसलमेर का फोर्ट आता है। कुल मिला के यहाँ 5 कैनन हैं, उनमें से एक कैनन अभी हम देखेंगे जिसको हम तोप बोलते हैं। तो आपको दिखाते हैं कैनन, उस टाइम की कैनन। तो ये रास्ता आ गया जी कैनन का। अब हम देखेंगे कैनन उस टाइम की, ये देखिए जी। तो उस टाइम की, राजा महाराजाओं के टाइम की, किले की सुरक्षा के लिए इसको यहाँ रखा गया है, देखिए। क्योंकि बहुत पुरानी है और राजा महाराजाओं के टाइम की है, तो वाकई में ही बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। और ये रूम दिखाता हूँ कुछ आपको, जो ये वॉल के साथ साथ ये कुछ रूम भी हैं। इस वॉल पे भी सैनिक तैनात रहते थे, और थोड़ा सा ये ऊंचाई में थोड़ा रूम बनाया हुआ है। इस रूम से भी किले की सुरक्षा की जाती थी। इस किले की सुरक्षा के लिए ये पूरी वॉल है, और वॉल के यहीं पर सारे सैनिक खड़े होते थे, तैनात होते थे हमेशा, ऑलवेज 24 घंटे किले की सुरक्षा के लिए। और साथ में ये एक रूम भी बनाया हुआ है, उस टाइम के रूम है। ये किले की दीवार है, और ये रूम है। और देखिए यहाँ से एक हॉल है, यहाँ से भी निगरानी रखी जाती थी, और यहाँ पर भी कहीं ऊपर चढ़ के यहाँ खड़े रहते थे, थोड़ा सा हाइट अच्छी मिल जाती थी यहाँ से, तो यहाँ से भी तैनात रहते थे सैनिक कुछ। और काफ़ी यहाँ पे रूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक कैनन को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, इधर कम से कम 5 कैनन है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैनन को एक्सप्लोर करते हैं। एक दो कैनन और देखते हैं और चलते हैं आगे। ये मेरे राइट साइड में आ गया है लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। तो अभी क्लोज है क्या भैया? अभी बंद हो गया, 1 बजे बंद होता है। मॉर्निंग में 5:30 खुलता है, मॉर्निंग में 5:30 खुलता है, 1 बजे बंद हो जाता है, 1 बजे शाम को 5:30 बजे खुलता है, फिर रात को 10 बजे बंद होता है। अच्छा, शाम को 5:30 खुलेगा और 10 बजे क्लोज होगा। तो आप क्या मंदिर में ही हैं या? नहीं, मेरा ये दुकान है। अच्छा, आपकी ये शॉप है। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरी कैनन देखते हैं भैया। एक कैनन एक और इधर, इधर ही है। हाँ, वापसी में देखते हैं। कहाँ से? दिल्ली।
तो ये है जी वे एक दूसरी कैनन पे जाने के लिए, जिस जो सारे आप घर देख रहे हैं यहाँ राजा महाराजाओं की प्रजा रहती थी तब। तो कहीं ना कहीं ये दूसरी कैनन ऊपर होगी, तो देखते हैं कौन सा वे जाता है। अंकल ये दूसरी कैनन देखनी है, तो रास्ता कहाँ से है? इधर से। देखिए कितनी छोटी छोटी गलियां हैं। सेकंड कैनन के लिए रास्ता ये है, और ये इस वे से हमने एंट्री की है, और बड़ा डेंजरस रास्ता है ऊपर चढ़ने के लिए भी। ये देखिए ये है वो सेकंड कैनन तोप। तो ये है जी वो गोले, दूसरी सैनिक जब आते थे इस किले के ऊपर, जो दुश्मन इस किले के ऊपर अटैक करने के लिए आते थे, तो उनके ऊपर ये गोले फेंक दिए जाते थे, और यहाँ से इस वॉल से इस किले की पूरी सुरक्षा की जाती थी। तो आइए मैं मिलाता हूँ कुछ अपने दिल्ली के साथ लगे हरियाणा से ये कुछ भाई लोग हमारे आए हुए हैं। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? अमित। अमित, और आपका? शिव। शिव। अभिषेक। अभिषेक। अमन। 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 ये दो भाई अमित अमित हो गए, तो गले मिल रहे हैं। तो आप कितने दिन से हो यहाँ पर? दो दिन हो गए भाई। दो दिन हो गए। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? बढ़िया है, मजा आ गया, मजा आ गया, एंजॉय है। फुल एंजॉय। तो आप कहना चाहूंगा कि जैसलमेर में आप जरूर विजिट करें? जरूर विजिट करना चाहिए भाई, विजिट करें जरूर। तो अभी क्या क्या देखा जैसलमेर में आपने? सैम जाके आए वहाँ पे, हॉर्स राइडिंग तो नहीं की है, कैमल राइडिंग की है, सफारी राइडिंग की है। अच्छा, यहाँ किला देख लिया। किला देख लिया आपका? भाई की कॉफी बहुत बढ़िया यार, बाकी कुछ कहो। भाई की कॉफी हमने एंजॉय की, बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं, कोल्ड कॉफी बहुत बढ़िया बनाते हैं। बता दीजिए हम किस कैनन के पास खड़े हैं, अगर कोई यहाँ विजिट करता है तो? ये चौगान पड़ा, एक्चुअली में क्या है, फोर्ट में जो भी स्ट्रीट है उनसे स्ट्रीट का अलग अलग नेम है, ठीक है। जिस कैनन के जो स्ट्रीट है इसका नाम है चौगान पड़ा, एक्चुअली में गलियों के नाम है हमारे हिसाब से। अच्छा, इस गली का नाम है चौगान पाड़ा। चौगान पाड़ा गली का नाम है, और ये एक ऐसी कैनन है जहाँ से आप 80% सिटी पूरा कवर कर सकते हो। तो ये है जी वो कैनन जिससे 80% सिटी कवर होती है। और ये शॉप आपकी कब से यहाँ पर? मेरा 2016 से। अच्छा, 2016 से आप ये शॉप रन कर रहे हैं। अच्छा, तो जो भी यहाँ कैनन के इस पॉइंट पे आता है तो आपके यहाँ की कॉफी जरूर पी के जाता है? और क्या क्या जाने भी है भाई? अपने यहाँ कॉफी है, मैगी है, हुक्का भी है। चलिए भैया तो बता रहे हैं, पर जिन्होंने कॉफी पी है उनसे पूछ लेते हैं, भाई कैसी लगी कॉफी? जबरदस्त कॉफी थी, मजा आ गया, पैसे वसूल है, ज्यादा वसूल है यार, पहली ज्यादा बार बढ़िया कोल्ड कॉफी पी है। तो भाइयों ने पहली बार इतनी बढ़िया कॉफी पी है इन भाई से। चलो दोस्तों फिर चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय। वाओ।